नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला को गए 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। पंजाब पुलिस ने तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को पकड़ा है, हथकड़ियों में जकड़ा है। इनमें कत्ल के लिए रेकी करने से लेकर के शार्प शूटर तक को हथियार मुहैया कराने वाले लोग भी शामिल हैं। और तो और, इस केस के मास्टरमाइंड की भी पहचान हो गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने दिन गुजरने के बाद भी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, अभी तक ये केस पूरी तरह से सुलझा नहीं है। वारदात के 16 दिन के बाद पंजाब पुलिस ने इस केस के मास्टरमाइंड यानी कि लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंची है, लेकिन इतनी भागदौड़ करने और पसीना बहाने के बावजूद अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। वो असली शूटर उन्हें नहीं मिला है जिसने खुद अपने हाथों से सिद्धू मूसेवाला के सिर सीने पे गोली दागी है। यानी कि इस केस की हालत हम कुछ वैसा ही कह सकते हैं कि सब कुछ हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सामने है लेकिन पकड़ा कोई नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की तफ्तीश का ऐसा हाल क्यों हुआ, क्या वजह है, क्या रीज़न है? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक के बाद एक अलग अलग मामलों में उसी लॉरेंस बिश्नोई को लगातार रिमांड पे ले रही है, जिसका नाम पंजाब के सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सबसे ऊपर है। और ये भी हद है कि खुद लॉरेंस के वकील ने एक बार भी स्पेशल सेल के पास ये नहीं कहा है, ये अर्जी नहीं दी है कि उसे रिमांड पे ना लिया जाए। पंजाब पुलिस ने इस सिलसिले में पहले शूटर्स के तौर पे 8 लोगों के नाम बताए थे, जिनमें हरकमल सिंह, जगरूप सिंह उर्फ रूपा, सुभाष बनूड़ा, संतोष यादव, सौरभ महाकाल, प्रियव्रत फौजी, अंकित सेरसा और मंजीत सिंह उर्फ भोलू शामिल हैं। लेकिन अब जबकि इन 8 में से 3 लोग पुणे और भुज और बठिंडा से पकड़े जा चुके हैं, फिर भी ये साफ नहीं हो पाया है कि सिद्धू पे असल में गोली किसने चलाई। पुणे पुलिस ने सौरभ महाकाल और संतोष यादव का रोल सिद्धू मूसेवाला केस में होने की बात तो कही, लेकिन अब तक तफ्तीश में ये साफ नहीं हो पाया कि सिद्धू पर गोली इन दोनों में से किसने चलाई है। ठीक यही हाल बठिंडा से पकड़े गए और कमल सिंह का भी है, गोली उसने चलाई हो ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। अब तक जो भी कुछ हुआ है वो ना होने के बराबर है। तो सवाल ये है कि आखिर इस मामले के असली शूटर कहाँ हैं और वो कब गिरफ्तार होंगे? दोस्तों, कोई भी इस दुनिया से जाता है तो उसके लिए सभी को अफसोस होता है, और सिद्धू मूसेवाला शायद बहुत सारे लोगों के दिलों की धड़कन था। एक तो गायक, ऊपर से उसने कुछ गीत भी ऐसे गा दिए जो ये साफ करते हैं कि शायद उसको अपने जाने का पहले से ही अंदाज हो गया था। और वो कैसे जाएगा, किस तारीख को जाएगा, किस तरीके से जाएगा, ये सब भी उसके गीतों में लोग तलाश रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक तरह से एक कैंपेन चला हुआ है, उसके एक एक पल की जानकारी इस समय सोशल मीडिया पे देखी जा सकती है। जिस दिन से उसने ये दुनिया छोड़ी है उस दिन से अब तक जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ उसके साथ हुआ, जो कुछ उसके माता पिता झेल रहे हैं, सोच रहे हैं, कह रहे हैं, सब कुछ यानी कि एवरीथिंग, सब कुछ इस समय सोशल मीडिया पे है। इतना प्यार करते हैं लोग उसको, फिर भी पुलिस उसके शूटर्स को अभी तक पकड़ नहीं पाई है, तो क्या कहते हैं आप इस पर, आपकी क्या राय है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है, लेकिन हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी है, फिर भी उसके हाथ खाली हैं। ये सबसे हैरान करने वाली बात है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा।
फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।